बगीचा कॉर्नर। ये काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है। काफ़ी सेलिब्रिटी, जो भी मैंने जो भी मतलब देखा, जो भी सेलिब्रिटी आते हैं महाबलेश्वर शूटिंग के लिए या पंचगणी शूटिंग के लिए, तो यहाँ ज़रूर आते हैं। ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो चलिए आज हम भी देखते हैं यहाँ का खाना ट्राई करके कैसा रहता है। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और हाँ, हम भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। हम महाबलेश्वर कई बार आ चुके हैं बट यहाँ कभी नहीं आए। तो और ये बीना लेक से बस हाफ किलोमीटर आगे है। हाँ चल। सो हम पहुंच गए बगीचा कॉर्नर, बहुत सारा होप और बहुत सारा एक्सपेक्टेशन लेके, लेकिन जैसा हमने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ का सर्विस और यहाँ का फूड क्वालिटी दोनों हमें पसंद नहीं आया। पहले तो हमने ऑर्डर दिया और ऑर्डर देने के बाद 45 मिनट्स के बाद हमें पता चला कि अभी वो काउंटर पे बताया ही नहीं गया है कि हमने ऑर्डर क्या किया है। और ऑर्डर देने के बाद भी हमें काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ा और खाना नहीं आया। सो ये था हमारा एक्सपीरियंस, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस था। और काफ़ी लोगों को मैंने देखा कि लोग उठकर जा भी रहे थे क्योंकि उनका भी ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ। हेलो गाइस, हम आ चुके हैं उस जगह जहाँ पे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हम एक जगह जाने वाले हैं जो थोड़ा हमारे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहेगा। तो हम आ चुके हैं वहाँ। एक्चुअली ये क्या है कि हम खुद से स्ट्रॉबेरी प्लक कर सकते हैं और हमको जितना मन हो हम लेके जा सकते हैं। ऑफ कोर्स उसका चार्जेस है और एंट्री फी ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ जो भी प्लक करेगा उसका पर हेड 100 रुपीज़ है और बाकी आप जितना स्ट्रॉबेरी लेके जाएंगे। सो ये आपका है लक्ष्मी फार्म, राइट? लक्ष्मी स्ट्रॉबेरी फार्म। तो वहीं पर हम आए हैं, अभी हम जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी प्लक करने। और सबसे अच्छा बात क्या था कि ये आज बंद रहता है। हाँ, ये संडे को क्लोज रहता है बट हमने रिक्वेस्ट किया तो इन्होंने फिर बोला कि आप आ सकते हैं। तो गाइस, स्ट्रॉबेरीज के अलावा यहाँ पे बहुत कुछ लगा हुआ है जो दिख रहा है, जैसे आप वहाँ नीचे देख सकते हो, नीचे भी बहुत कुछ लगा हुआ है। स्ट्रॉबेरी है ना? दोनों हाथ से मतलब ऐसे ना? हाँ हाँ। ये मेरी लाइफ का फर्स्ट स्ट्रॉबेरी जो मैंने खुद से तोड़ा। ठीक है, बास्केट में देता था। ठीक है, ये बड़ा है थोड़ा। अब क्या चना भी है ना? चना नहीं, अभी चमरे भी नहीं। नहीं मतलब उसका पत्ता। ये काफी बड़ा है। देखने को चले इसका। मुझे वीडियो प्लस अशोक सागर सरस्वती का यूट्यूब ला इथे शेअर कर। हां यूट्यूब ला ना? हां देख। सो गाइज, ये देखो जो रेड वाले हैं ना वो हमें सिर्फ तोड़ना है, क्योंकि अभी जो ग्रीन वाले हैं वो रेडी नहीं है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ग्रीन वाले हमें नहीं तोड़ना है, रेड वाला सिर्फ तोड़ना है। और काफी बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। तुम्हारा फेस के पास देखिए। तो क्या मानते थे गुजबेरी चटी तासल? ओके सो गाइज, ये दिसंबर से अप्रैल तक मिलता है। हाँ तो आप कभी भी विजिट कर सकते हो इस मतलब मंथ्स के बीच में। ठीक है। हाँ। ना कल पक जाएगा। चाहिए अच्छा। बहुत ही ज्यादा मीठा है। ये पूरा ऑर्गेनिक है ना, मतलब कोई केमिकल्स और पेस्टिसाइड ये सब नहीं लगाते ना? बहुत मीठा है बट हाँ। मैं मतलब जो लेती हूँ मार्केट में वैसा ऐसा नहीं रहता है कभी भी, कितना भी पका हुआ रहने दो। सो गाइस, अभी आरपी ने एक स्ट्रॉबेरी टेस्ट किया। आरपी कैसा था? बहुत मीठा, बहुत ही ज्यादा मीठा। नॉर्मली मतलब ये जो मतलब मेरा पहले का एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं, इतना मीठा स्ट्रॉबेरी मैंने कभी नहीं खाया है। जो मुझे खरीद के मैंने जो लिया था वो इतना मीठा नहीं है। नॉर्मली स्ट्रॉबेरी के लिए सुनते हैं हम लोग कि वो खट्टा मीठा होता है, बट ये बहुत हाँ। ही ज़्यादा मीठा था। और इनसे हमने बात किया तो इन्होंने बताया ये पूरा ऑर्गेनिक है। हाँ।
सो कोई केमिकल्स नहीं, कुछ भी यूज़ नहीं होता यहाँ पे। हे गाइस, सो हमने स्ट्रॉबेरी कलेक्ट कर लिया है, होपफुली ये 1-1.5-2 किलो होगा। और यहाँ पे जो इन्होंने प्राइस बताया वो 300 रुपीज़ अ किलो, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, डिपेंडिंग ऑन जिस हिसाब से लोग कल्टीवेट करते हैं, इसको उगाते हैं। सो अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे यहाँ पे? देखते हैं, लेक चलेंगे और नहीं तो फिर डायरेक्ट पंचगनी चलेंगे। ओके, सो गाइज अब आरपी जो है यहाँ पे स्ट्रॉबेरी के साथ साथ बैंगन भी तोड़ने वाली है। एक मिनट आप। बट इसको केयरफुल होके तोड़ना होता है बिकॉज इसमें कांटा रहता है। ओके, नहीं टूट रहा है। खींचो। नहीं यार, इतना आसान नहीं है तोड़ना। सो स्ट्रॉबेरीज के साथ साथ हमने यहाँ पे बैंगन खरीदा और हरा मिर्च लिया और ब्रोकली एंड कैबेज लिया और कुछ प्लांट्स भी लिया, मतलब अराउंड 2 गमले हमने लिए स्ट्रॉबेरीज प्लांट्स लगे हुए। सो और बहुत ही रीजनेबल प्राइस था हर चीज़ का और बहुत ही फ्रेश था। तो ये है दीपाली जी, जिन्होंने हमारा आज फर्स्ट एक्सपीरियंस कराया प्लग करने में। और आप देख रहे हो स्ट्रॉबेरीज, और हमने स्ट्रॉबेरीज के अलावा भी कुछ कुछ लिया है, मिर्ची लिया है और बैंगन लिया है। और फिलहाल हाँ दूसरे बॉक्स में डाल, इंजॉय कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, वो भी होममेड, वो भी होममेड आप देख सकते हो, काफी यम्मी लग रहा है देखने में। फ्रेश। फार्म विजिट करने के बाद हम आ गए हैं मैप्रो गार्डन, अपना लास्ट डेस्टिनेशन। सो मैप्रो गार्डन के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं आपको कि ये इनका खुद का फार्म है, स्ट्रॉबेरी फार्म। बट अब ये फार्म ही नहीं, सिर्फ ये एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है महाबलेश्वर पंचगनी में। और यहाँ पे आप आराम से 2-3 घंटे इंजॉय कर सकते हो। इनका पूरा जो डेकोरेशन है वो स्ट्रॉबेरी थीम पे डेकोरेटेड है। बहुत सारे फोटोज़ क्लिक करने के लिए आपको स्पॉट है जहाँ पे आप फोटोज़ क्लिक करा सकते हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स भी यहाँ पे आपको दिखेंगे और आप फोटोज़ क्लिक कराना चाहोगे। अंदर जाने के बाद इनका खुद का रेस्टोरेंट है जिसमें आपको पिज़्ज़ा, सैंडविचेस, आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी एंड डिफरेंट फ्लेवर्स और स्ट्रॉबेरी के कैंडीज एंड एवरीथिंग आपको मिलेंगे। और बहुत ही फ्रेश होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं, आप ज़रूर ट्राई करो जाकर वहाँ पे। प्लस इनका खुद का बेकरी भी है वहाँ पर, और एक छोटा सा शॉपिंग एरिया भी बोल सकते हैं जहाँ पे आपको हर वैरायटी का, जैसे स्ट्रॉबेरी का सिरप है, कैंडीज है, और भी चीज़ आप अगर लेना चाहते हो तो वहाँ पे आप जाके ले सकते हो। फोटोज क्लिक कराने की बात करें तो वहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड भी है, आर्टिफिशियल पॉन्ड, एंड वाटरफॉल भी है, वो भी आर्टिफिशियल है, तो वहाँ पे भी आप फोटोज क्लिक करा सकते हो। बच्चों के लिए भी, इंजॉय करने के लिए वहाँ पे बहुत कुछ है, एक्टिविटीज है जो इंजॉय कर सकते हैं। आप फार्म विजिट कर सकते हो मैप्रो का, और वहाँ से भी आप स्ट्रॉबेरीज प्लक कर सकते हो, स्ट्रॉबेरीज गार्डन घूम सकते हो। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, हमने भी यहाँ से सैंडविचेस एंड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लिया था जो कि काफ़ी फ्रेश था। फिर हमने भी काफ़ी सारे फोटोज क्लिक कराए यहाँ पर, और फिर हम उसके बाद निकल गए घर को। Thank you.
मैप्रो आ चुके हैं और आप देख पा रहे हो मैं सैंडविच खा रही हूँ। हमने सैंडविच और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ऑर्डर किया था। आइसक्रीम तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। आप देख रहे हो अभी भी ये भी पूरा ऐसा लग रहा है कि मतलब चाट चाट के पूरा एंड तक ख़त्म करेंगे। ग्लास भी हम पोंछ के खाने वाले हैं ऐसा लग रहा है। वाकई में बहुत टेस्टी है। और जो ये ब्रेड है ना सैंडविच का, ये इनका खुद का ब्रेड है और व्हीट ब्रेड है, होल व्हीट ब्रेड है, तो इसलिए मैंने सैंडविच प्रेफर किया। वैसे यहाँ का पिज़्ज़ा काफ़ी फेमस है, तो आप अगर यहाँ आते हो तो पिज़्ज़ा ज़रूर एक बार खा के जाना। हमने टेस्ट किया हुआ है इसलिए हम आज सैंडविच ऑर्डर किए। Hey guys, हम पार्किंग वापस आ गए हैं। हमारा ट्रिप कंप्लीट हुआ, हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, बहुत ज्यादा। और आप भी हमारे व्लॉग को देखोगे तो आपको भी समझ में आएगा, आप भी हमारे साथ बहुत एंजॉय करोगे इस व्लॉग को। कुछ कुछ जो चीज अभी हम ऐसे इमीडिएट आपको दिखा सकते हैं, हमने बहुत सारा जो वेजिटेबल्स मतलब ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लिया है हमने, और मोस्टली हमने खुद से प्लक किया है। ये सब कुछ हमने खुद से तोड़ा है, जो खेत होता है ना वहाँ पे जाके हम खुद से ये सब कुछ तोड़े हैं। प्लस हमने स्ट्रॉबेरी प्लांट भी लिया है, वो सब कुछ हम वीडियो का मतलब एंड में फोटोज में हम डाल देंगे। और वैसे आप हमारे साथ एक्सपीरियंस भी करोगे, क्योंकि हमने वो वीडियो भी कैप्चर किया है फोटो के साथ। सब कुछ तोड़ते हुए हमने वो वीडियो लिया है, जो हमने प्लांट लिया उसका भी हमने वीडियोज लिया है। फिर हमने वहाँ पे होममेड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाया, उसका भी हमने वीडियो लिया है। तो आई होप आप वो सब कुछ देख चुके होंगे। सो अब टाइम कितना हो गया था? 6 o'clock। हाँ, अभी 6 बज गया है, तो अभी हम घर के लिए निकल रहे हैं। यहाँ से हमको कम से कम 3-3.5 घंटा लगेगा, डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक। और टोल का भी बात कर लेते हैं, तो आई थिंक हमें एक टोल पड़ा है सिर्फ। हाँ, एक टोल पड़ा है। हाँ, और क्या चार्जेस वहाँ पे लगा है? 75 या 80 रुपीस है, बट ऑफ कोर्स मैं वीडियो के एंड में जो टोल वाला जो फोटो होता है जो ट्रांजैक्शन का, वो मैं डाल दूंगा, बिकॉज मुझे एग्जैक्टली श्योर नहीं है, वो डाल देंगे। यहाँ पे मेनली आपका जो मेन मतलब यहाँ पे ज्यादा आपका जो चार्जेस है वो है एंट्री का, पार्किंग का, ये सब जगह आपका थोड़ा सा चार्ज लगता है, बट मैप्रो में पार्किंग फ्री है। ठीक है, तो यहाँ लोग जो है रोड साइड पार्किंग भी कर देते हैं, अवॉइड आप कर सकते हो, बिकॉज मैप्रो का जस्ट थोड़ा सा उसे आई थिंक 300-400 मीटर पे है। मैप्रो का ही बहुत मतलब 2-3 है, एक ही नहीं है ये। यहाँ पे भी है एक, जहाँ पे अभी हमने पार्क किया है वो 300 मीटर दूर है। फिर अपना उनका जो मेन मैप्रो रेस्टोरेंट जो है वहाँ पे भी है, पास भी है, मतलब आपको पार्किंग के लिए सोचना नहीं है, एम्पल टाइम एम्पल स्पेस है। तो आप आओ और एंजॉय करो, और हमारे व्लॉग को देखते रहो ऐसे ही, और हमें सपोर्ट करो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। यस यस, और कमेंट्स भी करते रहो यार, बिकॉज कमेंट्स हम मिस करते हैं। आप इंस्टा पे हमें कमेंट करते हो, बट आप यार यूट्यूब में भी कमेंट्स किया करो, हम उसका रिप्लाई करेंगे। हमारा 1000 सब्सक्राइबर्स भी पूरा हो गया है, हम डेली शॉर्ट्स भी डाल रहे हैं, आई होप आप वो भी एंजॉय कर रहे होंगे। और हाँ, कमेंट्स से क्या होता है कि हमें जो चीज इम्प्रूव करना चाहिए, हमारे व्लॉग में जो चीज नहीं आ रहा है वो हम कवर करने का कोशिश करेंगे, अगर आप कमेंट्स करते हो तो इससे मतलब हमें और भी हेल्प मिलेगा व्लॉग को और अच्छा करने के लिए और परफेक्ट बनाने के लिए। सो ये व्लॉग में इतना ही, राइट? अब हम घर के लिए निकलते हैं, काफी कंटेंट भी हो गया है, तो आई एम नॉट श्योर कि एक व्लॉग में अपलोड हो पाएगा। यस, सो लेट्स सी, वी ट्राई टू अपलोड इन 2 व्लॉग्स एंड फिर अभी निकलते हैं, घर पहुंचते हैं। चलो फिर, ओके, बाय बाय।